मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डैनी होता है। एक रात वो अपने आप को एक बर्फीले तूफान में देखती है जहां सब लोग अफरा तफरी में फंसे हुए होते हैं। उसके डैड उसको सेफ रखने के लिए जंगल में छिपाने लेके जाते हैं, लेकिन डैनी के मना करने के बाद भी उसके डैड बाकी लोगों को बचाने के लिए चले जाते हैं, पर तभी उन पर कोई चीज हमला कर देता है और वो मर जाते हैं। अब डैड को मरे हुए हालत में देखकर वो डर के वहाँ से भागने लगती है, पर तभी कोई जंगली जानवर उसका पीछा करने लगता है और डैनी भागते हुए ढलान से नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। बाद में जब वो अपनी आंखें खोलती है तब वो अपने आप को एक हॉस्पिटल बेड में देखती है जहाँ उसके हाथ बंधे हुए थे। अब सारी विंडो और दरवाजे लॉक होने के कारण और रूम में कैमरा देखकर वो चिल्लाने लगती है। फिर उससे मिलने के लिए एक डॉक्टर आती है जो उसके हाथ को फ्री करके उसे बताती है कि एक टॉर्नेडो की वजह से उसके जगह के सारे लोग मर गए हैं और वो इकलौती सर्वाइवर है जो उस हादसे से बच गई है। पर डैनी ये बात मानने को तैयार नहीं होती और बताती है कि उस रात को किसी चीज ने उसका पीछा किया था। अब ये बात सुनकर डॉक्टर रेस डैनी को उसके डैड का नेकलेस देती है जिस पर भालू बना हुआ था, और फिर उसे बताती है कि वो एक म्यूटेंट है एंड उसके जैसे और भी म्यूटेंट्स हैं जिनके साथ उसे यहाँ पर रहना होगा जब तक कि वो अपने पावर को जान के उसे कंट्रोल में करना सीख नहीं लेती। हालांकि डैनी को अपने पावर्स के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। इसके बाद डैनी को उसका रूम दिया जाता है जहाँ उसे कैमरा की निगरानी में रहना था। अब अगले दिन वो कुछ और म्यूटेंट से मिलती है जिनके साथ उसे इस फैसिलिटी में रहना था। पहले रेन को दिखाया जाता है जहाँ उसके पास वुल्फ में टर्न होने का पावर होता है, लेकिन वो एक ट्रॉमा से सफर कर रही होती है जब से उसको एक प्रीस्ट ने विच समझकर चर्च में मारने की कोशिश की थी। इसके बाद इलियाना को दिखाया जाता है जो हर टाइम अपने साथ एक पर्पल ड्रैगन हैंड पपेट को रखती है, और इलियाना का पावर होता है कि वो टेलीपोर्टेशन डिस्क को यूज करते हुए डिफरेंट डायमेंशन में ट्रैवल कर सकती है। इसके बाद रोबर्टो को देखते हैं जो ब्राजील के एक वेल्थी फैमिली से आया हुआ होता है। रोबर्टो का पावर था कि वो सोलर एनर्जी को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करके उसको यूज कर सकता है। और लास्ट में सैम को दिखाया जाता है जो एक कोल माइनिंग फैमिली से आया हुआ था, जो अपने थर्मोकेमिकल एनर्जी को यूज करके खुद को लिफ्ट करके जेट स्पीड में फ्लाई कर सकता था। अब सेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर रेस इलियाना से कहती है डैनी को पूरी फैसिलिटी दिखाने के लिए। अब गार्डन में आके इलियाना उसे उकसाती है यहाँ से भागने के लिए, एंड क्योंकि डैनी को कोई फेंस नहीं दिखता है तो वो वहाँ से तभी के तभी निकलने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाके वो एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है जिसकी वजह से उसके नाक से खून निकलने लगते हैं। वो गुस्से में इलियाना की तरफ भागती है, लेकिन तभी इलियाना वहाँ से गायब हो जाती है। अब इसके बाद डैनी गुस्से में सैड होके चर्च के ऊपर जाके सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन सही टाइम पे वहाँ रैन आ जाती है और उसे सुसाइड करने से रोक लेती है। नीचे आके डैनी सैम को देखती है जो एक बड़े से कंक्रीट ब्लॉक से अपने आप को बांध के खुद का म्यूटेंट पावर यूज कर रहा था। यहाँ रैन डैनी को सैम के बारे में बताते हुए कहती है कि उसको ना चाहते हुए भी माइंस में अपने डैड के साथ जबरदस्ती काम करना पड़ता था। अब रात में जब डैनी सो रही होती है तब उसे उस इंसिडेंट के सपने आने लगते हैं जिस दिन उसके डैड गुजर गए थे, जिससे उसके अंदर एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगती है। और तभी हम लॉन्ड्री रूम में सैम को देखते हैं जिसको वॉशिंग मशीन से आवाजें सुनाई दे रही थी। अब पास जाने पर वो अपने आप को एक माइन में पाता है जहाँ सब माइनिंग कर रहे होते हैं और स्पेशली उसके डैड भी वहाँ होते हैं। फिर अचानक से सब उस पर हमला कर देने से वो डर जाता है और अपना पावर यूज करने लगता है। अब अगली सुबह डैनी नहाते टाइम रेंज से उसके बॉडी पर बनी W साइन के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। इसके बाद रात को इलियाना और डैनी के बीच में झगड़ा हो जाता है,
और इलियाना डैनी पर अपनी पावर से हमला कर देती है, लेकिन तभी डॉक्टर रेज आके उन्हें रोक लेती है और दोनों को सॉलिटरी रूम में डाल देती है। वहाँ डैनी को इलियाना की आवाजें सुनाई देती है, जहाँ इलियाना स्माइली मैन के बारे में सोच रही होती है। साथ ही में डैनी को भी एक विजन दिखता है, जहाँ उसके ऊपर किसी बीस्ट ने हमला किया हुआ था। अब कैमरा के काम नहीं करने की वजह से डॉक्टर रेस जब डैनी के रूम में आती है तो वो डैनी के पूरे बॉडी में ब्लड देखती है। इसके बाद अगले दिन डैनी का ब्लड सैंपल लेते हुए रेस बताती है कि न्यू म्यूटेंट्स मैच्योर म्यूटेंट से ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं होता है और इसीलिए ये फैसिलिटी बनाया गया है ताकि उनको पावर कंट्रोल करने के लिए सही ट्रेनिंग दिया जा सके। अब रात में बाकी लोग डैनी को एक सीक्रेट रूम में लेके जाते हैं, जहां वो लाइट डिटेक्टर के साथ गेम खेलते हैं वन बाई वन। जब इलियाना की बारी आती है तो डैनी उसे पूछती है कि वो इस फैसिलिटी में क्यों आई है, जिसके जवाब में इलियाना बताती है कि उसने अपने पावर से 18 लोगों की जान ले ली थी। अब इसी दौरान हम डॉक्टर रेस को देखते हैं, जो उन सबको सीक्रेटली देख रही होती है कैमरा के थ्रू। अब अगले दिन मीटिंग के दौरान सैम डॉक्टर रेस से गुस्सा हो जाता है और मीटिंग से चला जाता है। मूड सही करने के लिए इलियाना डॉक्टर रेस की टी में कुछ मिला देती है, जिससे वो गहरी नींद में सो जाती है और सब पार्टी करने लगते हैं। रैन फिर डैनी को वेंट्स के थ्रू एक जगह लेके जाती है, जहां वो दोनों इनविजिबल बैरियर पर बारिश होते हुए देखते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। अब इधर रॉबर्टो को पूल में से किसी के गाने की आवाजें आने लगती है। जब वो वहां देखने जाता है तो उसको पूल के अंदर इलियाना दिखती है और इसके बाद रॉबर्टो भी इलियाना को ज्वाइन कर लेता है और दोनों साथ में स्विम करने लगते हैं। अब स्विम करते करते दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन रॉबर्टो की बॉडी गर्म होने लगती है और वो इलियाना को बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गलती से अपने हाथों से जला दिया था, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी। अब इलियाना ये सब बातों को भूल जाने के लिए कहती है और वापस से स्विम करने के लिए बोलती है, लेकिन कुछ देर बाद वो वहां से गायब हो जाती है। और इधर हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि इलियाना एक्चुअली अपने रूम में ही होती है। अब इधर रॉबर्टो जब उसे ढूंढ रहा होता है, तभी उसके पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड की जली हुई शरीर आती है, जिसको देख के रॉबर्टो डर जाता है और अपने पावर्स पर बेकाबू हो जाता है। पर तभी डॉक्टर रेज नींद से जाग जाती है और उसे सही टाइम पे आके बचा लेती है। अब बचने के बाद रॉबर्टो इलियाना पर सब ब्लेम डाल देता है और बताता है कि इलियाना ने उसे मारने की कोशिश किया है। पर डॉक्टर रेज उसको समझाने की कोशिश करती है कि इलियाना स्विमिंग पूल में नहीं बल्कि वो अपने रूम में ही थी, बट क्योंकि इलियाना ने डॉक्टर रेस को नींद की दवाई दी थी तो इसीलिए वो इलियाना को सॉलिटरी रूम में बंद कर देती है। अब इसके बाद डैनी की ट्रीटमेंट शुरू होती है। डॉक्टर रेस डैनी का पावर जानने के लिए उसे रिलैक्स होने के लिए कुछ इंजेक्शन लगाती है और कुछ सवाल पूछने लगती है, पर तभी डैनी को कुछ विजन्स आने लगते हैं और साथ ही में इधर इलियाना को भी स्माइली मैन की ड्रॉइंग्स दिखती है। और रेन पर भी तभी वही प्रीस्ट हमला कर देता है, जिससे वो डरती है। इसके बाद रेन की वुल्फ वाली आवाज सुन के सब उसके पास चले जाते हैं। इसी टाइम इलियाना को पता चल जाता है कि ये सब डैनी के वजह से ही हो रहा है और उसे लगता है कि डैनी सबके दिमाग में घुस के उनके डर के साथ खेल रही है। अब गुस्से में इलियाना उस पर हमला कर देती है और खुद का बनाया हुआ एक अलग डायमेंशन में उसको लेके जाती है, लेकिन डैनी अपने अननोन पावर को यूज करके अपने चेहरे पे वही स्माइली फेस लेके आ जाती है, जिससे इलियाना डर जाती है और तभी डॉक्टर रेस इलियाना को कंट्रोल में कर लेती है। अब इसके बाद डैनी इलियाना की पपेट को नीचे गिरा हुआ देखकर उसे उठा के इलियाना को देने जाती है और दोनों वहाँ पे बात करने लगते हैं, जहाँ डैनी इलियाना से उस डायमेंशन के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में इलियाना उसे बताती है कि स्माइली मैन से बचने के लिए उसने अपने लिए वो दुनिया बनाई थी। अब इसी दौरान दूसरी तरफ डॉक्टर रेस को उनके सीनियर से ऑर्डर मिलता है डैनी को मारने के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि डैनी की पावर्स बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि वो दूसरे लोगों के डर को यूज करके इल्यूशन क्रिएट कर रही है।
अब इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए वो डैनी को ट्रीटमेंट के बहाने से एक सेपरेट रूम में लेके जाती है। लेकिन रेन को डॉक्टर रेस की मोटिव सही नहीं लगती है, जिसके कारण वो बाकी सबको जाके इन्फॉर्म कर देती है। लेकिन तभी उन्हें एक गाना सुनाई देता है जो इलियाना के रूम से आ रही थी। अब धीरे धीरे गेट चेंज हो जाता है और गेट खोलते ही वहाँ पर इलियाना का सबसे बड़ा डर स्माइली मैन आ जाता है और उन पे हमला कर देता है। सैम और इलियाना स्माइली मैन से बचने की कोशिश करते हैं और साथ ही में रेन इधर डॉक्टर रेस पर हमला करके डैनी को बचाने में सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन डॉक्टर रेस वहां से भाग जाती है। अब ये सब चलते बाकी लोग भी अपनी पावर्स को यूज करके अपने आप को बचा लेते हैं। अब इसके बाद सब लोग एक साथ हो जाते हैं, जहां उन्हें समझ आता है कि यहां से निकलने के लिए उनको इस इनविजिबल बैरियर के सोर्स को मारना होगा, यानी कि डॉक्टर रेस को खत्म करना होगा। अब ढूंढने के बाद जब डॉक्टर रेस उन्हें मिल जाती है तो वो अपनी पावर से सबको कंट्रोल में कर लेती है और उन्हें एसेक्स कॉर्पोरेशन के बारे में बताती है और वो कहती है कि उन्हें इस फैसिलिटी में ट्रीटमेंट के नाम पर इसीलिए लाया गया ताकि वो लोग उनके म्यूटेंट एबिलिटीज को यूज कर सके और अपने अंडर लिविंग वेपन बना के रख सके। लेकिन डैनी की डेंजरस म्यूटेंट पावर को देखते हुए डॉक्टर रेस उसको फिर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा भालू आ जाता है और डॉक्टर रेस को खा जाता है। दोस्तों ये भालू एक्चुअली डैनी का फियर होता है, जो उसको फॉलो करते हुए उधर आ गया था बाकियों के फियर के तरह ही। अब डैनी को बचाने के लिए सब अपनी पावर्स को यूज करते हैं एंड सबसे पहले इलियाना इनिशिएटिव लेती है और भालू से फाइट करने लगती है और कुछ देर बाद सैम भी वो फाइट ज्वाइन कर लेता है। अब इधर रोबर्टो और रेन डैनी को चर्च में लेके जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो जल्दी से होश में आए और अपने पावर को कंट्रोल करके इल्यूशन को खत्म कर पाए। लेकिन तभी वही बड़ा सा भालू वहाँ पे भी आ जाता है और उनपे हमला कर देता है। अब बेहोशी के हालत में डैनी खुद को स्पिरिट वर्ल्ड में पाती है और वो अपने पापा से मिलती है, जहाँ उसके पापा उसको भालू से नहीं डरने के लिए मोटिवेशन देते हैं। और इधर हमें समझ आता है कि उस दिन उसके फादर और उसके गांव वाले डैनी के पावर की वजह से ही मर गए थे, क्योंकि तब उसको अपने पावर के बारे में कोई आइडिया नहीं था और वो अपने पावर को कंट्रोल करना नहीं जानती थी। लेकिन इस बार उसके डैड उसको फाइट बैक करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद डैनी आँख खोलती है और उठते ही वो अपने डर का सामना करती है और धीरे धीरे उसको कंट्रोल में कर लेती है, जिससे वो भालू फाइनली गायब हो जाता है। अब मूवी के लास्ट में वो लोग उस मेडिकल फैसिलिटी से आजाद हो जाते हैं और वहां से दूर चले जाते हैं और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।